हाय देयर, आज की वीडियो के अंदर आपसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बीएस बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम की फीस डिटेल शेयर की जा रही है। ये करंट फी डिटेल है और इस प्रोग्राम की सबसे पहले अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 4 ईयर्स की ड्यूरेशन है। जितनी भी ज़्यादा ड्यूरेशन होती है किसी भी प्रोग्राम की उतनी ही ज़्यादा उसकी टोटल फीस होती है। टोटल क्रेडिट आवर्स इस प्रोग्राम के 134 क्रेडिट आवर्स हैं, जिनमें से 120 थ्योरी के हैं और 14 प्रैक्टिकल के हैं। इसमें अलग से प्रैक्टिकल भी होंगे और जो टोटल सेमेस्टर है वो 8 है। अगर 4 ईयर के अंदर डिग्री कंप्लीट होती है तो 8 सेमेस्टर होंगे, क्योंकि पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं। एडमिशन फीस इसकी 3,000 रुपीज़ है, रजिस्ट्रेशन फीस है 2,500 रुपीज़, जबकि सिक्योरिटी फीस जो कि रिफंडेबल है वापस मिल जाएगी 2,000 रुपीज़ सिक्योरिटी फीस है। एंट्री टेस्ट फीस भी है, क्योंकि एंट्री टेस्ट भी होगा इस प्रोग्राम के अंदर, 1,000 रुपीज़ की बनती है। एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फीस 500 रुपीज़ है, जबकि एनरोलमेंट फी पर सेमेस्टर के हिसाब से 1,000 रुपीज़ बनती है और पर क्रेडिट आवर के हिसाब से ट्यूशन फी है 935 रुपीज़। और ट्यूशन फी जो टोटल बनती है थ्योरेटिकल क्रेडिट आवर्स की बेस के ऊपर वो है 1,12,200 रुपीज़, जबकि कॉन्वोकेशन फीस वन टाइम मैंडेटरी है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद कॉन्वोकेशन होगी, क्योंकि डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही जब कॉन्वोकेशन है तो फिर फीस भी तभी पे की जाएगी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी 2,000 रुपीज़। और फी कलेक्शन चार्जेस पर सेमेस्टर के हिसाब से 100 रुपीज़ हैं, जबकि लैब फीस पर क्रेडिट आवर के हिसाब से 2,000 रुपीज़ है। और जो टोटल लैब के क्रेडिट आवर्स हैं वो 14 हैं, जबकि लैब फी प्रैक्टिकल के लिए 28,000 रुपीज़ बनती है। एंडाउमेंट फंड फी वन टाइम पे की जाएगी, 1,000 रुपीज़ पे करना होंगे आपने। टोटल फीस सिक्योरिटी अमाउंट को मिला के बनती है 1,61,000 रुपीज़, और अगर हम सिक्योरिटी अमाउंट को निकाल देते हैं तो बनती है 1,59,000 रुपीज़। एडमिशन के टाइम पे आपने 12,905 रुपीज़ देना होंगे। ये फीस दे देंगे आप तो आपकी एडमिशन हो जाएगा। और उसके अलावा जो फर्स्ट सेमेस्टर का फी वाउचर है वो अलग से इशू होगा इस फीस के अलावा, यानी कि वो डिपेंड करता है कि जितने कोर्स लेके जाएंगे उसके हिसाब से फी वाउचर इशू किया जाएगा। और सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो रिफंड किया जाएगा, वापस मिल जाएगा, जो भी एप्लीकेबल रूल्स हैं उसके मुताबिक वापस मिलेगा वो। और जो फी बताई गई है ये जनरल गाइडेंस के लिए है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो इस फीस को आगे चल के चेंज कर सकते हैं, जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ वाले भी करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में और फीस के बारे में, एडमिशन के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।